देखो आप सबके हाथ में स्मार्टफोन है, हमको लगता है इन महाराज लोगों की वजह से आपके स्मार्टफोन का होना भी अच्छा हो गया। अगर ये महाराज लोग कथा नहीं सुनाते तो स्मार्टफोन नरक में ले जाते आपको, सच्ची बता रहे हैं हम, तुम्हारी कसम। अगर ये स्मार्टफोन होते और महाराज लोग नहीं होते, भजन नहीं होते, कथाएं नहीं होती, प्रवचन नहीं होते, तो ये स्मार्टफोन 100% आपको नरक ले जाते। गंदे दृश्य दिखाकर, गंदे शब्द सुनाकर, गंदी गंदी प्लानिंग करवा के आपको नरक ले जाते। धन्य हो इन महाराज लोगों का जिन्होंने ऐसे आध्यात्मिक चैनल बना डाले जहां पर आप कथा भी सुन सकते हैं, भजन भी सुन सकते हैं, अपने भविष्य के कल्याण की बातें सुन सकते हैं। इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, ये चैनल चैनल नहीं है, ये चरित्र है। यूट्यूब चैनल जो हमारे आध्यात्मिक चैनल, इन्हें आप सिर्फ चैनल मत समझिए, इसको चरित्र समझिए। ये आपके चरित्र का निर्माण कर रहे हैं। आप हमारे साथ एक साल यात्रा कीजिए, जितने भी लोग मुझे अभी सुन रहे हैं, जो इस कथा को सुन रहे हैं, आप मेरे साथ यात्रा कीजिए ईमानदारी से, एक साल कीजिए कम से कम। सुबह भजन सुनिए, दोपहर में कथा सुनिए, रात्रि में फिर कथा सुन के सो जाइए, और एक साल बाद में आपसे पूछूंगा, नाउ यू से व्हाट्स योर फीलिंग, तब आप कहोगे बदले बदले से लगते हैं महाराज। तब आप की सोच बदल जाएगी, तब आपका कर्म बदल जाएगा, तब आपका विचार बदल जाएगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें करना पड़ेगा, सुनना नहीं। एक साल यात्रा करो तो सही हमारे साथ, देखो तो सही अनुभव, कितने कितने बुरे लोगों का साथ तुम 20-20, 25-25 साल करते हो, जिन्होंने तुम्हारी जिंदगी नरक बना रखी है। कभी ऐसे लोगों का भी संग करो। अरे आजकल के अच्छा समय पता है किसको कहते हैं? गाड़ी में चार यार बैठे, बोले क्या है? बोले अच्छा टाइम है। गाड़ी पहाड़ों में चल रही है, बोले क्या है? बोले अच्छा टाइम है। किसी पर्वत के पास जाके पहुंच गए, गाड़ी खड़ी कर दी, खिड़कियां खोल दी, वो देख सुना है ना आपने, ये है मेरी कार और ये हमारी पार्टी चल रही है। सुना आपने, इनकी पार्टी चल रही है, इनकी पार्टी चल रही है यहां इनकी कार के पास में। पार्टी क्या है? बोले बोतल खुल रही है। चार यार गाड़ी में हो, गाड़ी पहाड़ों की सफर पे हो, पर्वत पे कहीं बैठकर तुम बोतल खोलने लग जाओ और तुम समझो ये अच्छा टाइम। ये अच्छा टाइम नहीं है, तुम्हारा बुरा टाइम है, तुम्हारा सबसे बुरा टाइम। तुम कहोगे इसमें क्या बुराई है महाराज? इसमें यह बुराई है, अगर तुम ये करते रहे तो इन तुम्हारे कर्मों के कारण कोई अच्छा व्यक्ति तुम्हारे जीवन में नहीं आएगा और तुम्हें अच्छा मार्ग नहीं दिखाएगा। अगर तुम्हें अच्छा मार्ग नहीं दिखा पाया तो पूरा जीवन नरक बन जाएगा। यह तुम्हारे लिए बुराई की बात, अच्छाई की बात। अच्छा टाइम नहीं, बुरा टाइम है। इसलिए यह अच्छा टाइम है आपका, हमारे साथ एक शब्द भी पकड़ लिया और जीवन में उतार लिया, 84 से बच जाओगे एक शब्द। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, एक साल मेरे साथ यात्रा करो, सुबह दोपहर शाम। और माताएं बहन तो कर ही सकती हैं जो घरों में बैठी हैं। सुबह भोजन इत्यादि बनाते समय भजन सुनो, दोपहर में भी कथा सुनो और रात्रि में सोने से पहले कथा सुनो और सो जाओ। एक साल मेरे साथ यात्रा करो आप सब, और फिर आप देखना, आप खुद कहने लगोगे कि जीवन बदल रहा है।